नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड. कि टास्क हमें कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम या कह सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारे लिए टास्क परफॉर्म करता है. एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या बताएगा, लेआउट बताएगा कि इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. कंप्यूटर हैज़ ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट्स. कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स ईच इंस्ट्रक्शन कोड एंड डू नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस नीडेड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन. अब जो भी हम इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट कंप्यूटर को देते हैं तो कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू का, वो इस इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट को इंटरप्रेट करता है, पता करता है कि ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें उसे क्या करवाना है, किस फंक्शनल यूनिट से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. तो इसके लिए वो क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और जो उसके करस्पॉन्डिंग नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस नीडेड हैं वो परफॉर्म करता है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूजुअली डिपिक्टेड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स सिंबलाइजिंग द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन. तो हम हमेशा इसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें जो बिट्स को रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शन की. द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स. तो जो बिट्स होती हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस होते हैं, तो उसमें डिवाइड किया जाता है और ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स. दीज फील्ड्स कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन. एज फॉर कंप्यूटर्स एवरीथिंग इज इन जीरो एंड वन, सो ईच फील्ड हैज़ डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ सीपीयू डिसाइड व्हाट शो परफॉर्म. अब जो ये बिट्स होती हैं या जो फील्ड्स होती हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और वो किसके फॉर्म में होते हैं, जीरो एंड वन फॉर्म में. तो हर फील्ड का अपना एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस होता है जिसके बेसिस पे सीपीयू डिसाइड करता है या सीपीयू का कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो इंस्ट्रक्शन फील्ड में तीन फील्ड्स होती हैं, ऑपरेशन फील्ड, एड्रेस फील्ड और मोड फील्ड. ऑपरेशन फील्ड क्या स्पेसिफाई करती है, स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. ऑपरेशन फील्ड ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ बिट्स होंगी जीरोज एंड वंस में, तो इस ऑपरेशन फील्ड यानी ऑपकोड से कंट्रोल यूनिट पता कर लेता है कि इस इंस्ट्रक्शन को किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, स्टोर करना है, लोड करना है, ये इस फील्ड से पता चल जाता है. ऑपरेशन फील्ड मतलब ऑपकोड बोलते हैं इसे. एड्रेस फील्ड कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड्स दैट इज रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन. यहाँ पर एड्रेस किसकी रहती है, ऑपरेंड्स की. अगर कोई भी ऑपरेशन जैसे परफॉर्म ऐड आर वन आर टू, तो ऐड इसका ऑपकोड हो गया, आर वन क्या है, ऑपरेंड है. आर वन और आर टू क्या है, ऑपरेंड्स हैं. तो या तो यहाँ पर या तो रजिस्टर्स के नेम होंगे या एक मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ से डेटा को रीड करना है ऑपरेशन को परफॉर्म, करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ इस एड्रेस फील्ड के अंदर क्या होगा, कंटेंस द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड कि ऑपरेंड कहाँ पर है, रजिस्टर में है कि मेमोरी लोकेशन पर है. नेक्स्ट होता है मोड फील्ड, स्पेसिफाई हाउ ऑपरेंड इज टू बी फाउंडेड. मोड फील्ड से क्या पता चलता है कि जो ऑपरेंड्स हैं ये किस तरह से एक्सेस करने हैं मेमोरी से. तो यहाँ पर अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे. तो उससे जो कंट्रोल यूनिट है ये पता कर लेता है कि इस ऑपरेंड को कैसे फैच करना है, किस मेथड को यूज़ करके फैच करना है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. तो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा उसमें ऑपकोड होगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस होगी कि सोर्स एड्रेस होगी, और सोर्स एड्रेस ये दोनों किसकी होगी, ऑपरेंड्स की एड्रेस. ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और जो रिजल्ट जहाँ पर स्टोर होना है उसकी एड्रेस होगी, डेस्टिनेशन एड्रेस, और मोड रहेगा. तो इंस्ट्रक्शन कंटेन्स थ्री एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन. तो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर थ्री एड्रेसेस होती हैं, या तो वो रजिस्टर की हो सकती हैं या मेमोरी लोकेशन हो सकती हैं.
Program created are much short in size but number of bits per instruction increases. अगर हम इसे instruction format को use करते हैं तो जब आप programming करोगे तो उसकी size कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि तीन तीन address fields रखनी है तो number of bits जो होंगे instruction में क्या हो जाते हैं, increase हो जाते हैं. The program in assembly language that evaluates x equals to a plus b into c plus d using three address instruction. अब हम सारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में हम क्या करेंगे, इस वाले कोड का असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे यूजिंग थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ऐसे टू एड्रेस, वन एड्रेस और ज़ीरो एड्रेस से. तो इसको अगर एवलुएट करना है और असेंबली लैंग्वेज में इसका कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐड, ऐड यहाँ पर क्या होगा, ऑप कोड. आर वन इज डेस्टिनेशन, ए और बी क्या है, ऑपरेंट्स. तो इसका इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि R1 में क्या स्टोर हो जाए कि A मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है प्लस B मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है वो दोनों ऐड होके किस में स्टोर हो जाए, R1 में. तो हमें पहले क्या करना है, A प्लस B करना है, तो हमने यही किया है. सेकंड हमें क्या करना होगा, C प्लस D करना होगा, तो हमने ये R2 रजिस्टर में स्टोर करवा दिया. तो ऐड R2 C कॉमा D. फिर हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा R1 और R2 की वैल्यूज़ को. तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स आर वन कॉमा एक्स टू, तो मेमोरी लोकेशन एक्स पे आर वन इंटू आर टू यानी कि ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी जो है वो एक्स पे स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन पर. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम इस एक्सप्रेशन को असेंबली लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं. यहाँ पर आर वन और आर टू क्या है, रजिस्टर्स हैं. एम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स दी ऑपरेंड एट मेमोरी एड्रेस सिम्बोलाइज बाय ए. ठीक है, जो ऑपरेंड है वो किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है, ए पे. ये थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर यूज़ होते हैं, साइबर 170 कंप्यूटर यूजेस दिस फॉर्मेट. नेक्स्ट इज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, मोस्ट कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर्स. मेनली जो यूज़ होता है वो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ होता है. इसमें क्या होगा, हेयर टू एड्रेसेस कैन बी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस होगा और सोर्स एड्रेस रहेगा. तो ऑपकोड रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और मोड, ये रहेगा इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. हेयर अगेन ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई अदर रजिस्टर और मेमोरी वर्ड. तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेस्टिनेशन या सोर्स में क्या रहेगा, रजिस्टर का नेम रहेगा या तो मेमोरी लोकेशन होगी. अब सेम हमारा वही एक्सप्रेशन है, इसको टू एड्रेस के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, मूव आर वन कॉमा ए, ए की वैल्यू हम आर वन में मूव करें. यहाँ पर दो ही फील्ड्स रहेंगी, दो एड्रेसेस रहेंगी. तो ए की वैल्यू आर वन में आ गई. एड आर वन कॉमा बी, तो R1 में क्या आ चुका है, A मेमोरी लोकेशन का डेटा, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन B का डेटा. तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो लिखना है, जो इस साइड हमारा रजिस्टर है उसमें वैल्यूज स्टोर हो रही है यानी वही डेस्टिनेशन है. तो ये जो R1 है ये एज ए इनपुट भी यूज़ हो रहा है और एज ए आउटपुट भी यूज़ हो रहा है. मूव ऐसे ही आर टू कॉमा सी करेंगे, ऐड आर टू कॉमा डी करेंगे, तो आर टू में ये एक्सप्रेशन आ गया, आर वन में ये आ गया. मल्टीप्लाई कर लेंगे आर वन और आर टू को, तो आर वन आर टू मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट किस में आ जाएगा, आर वन में, जिसको किस में मूव करना है, एक्स में. तो मूव एक्स कॉमा आर वन. तो यहाँ पर हमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखे तो प्रोग्राम की साइज़ इंक्रीज हो गई, जबकि थ्री एड्रेस में क्या हो रहा था, प्रोग्राम की साइज़ रिड्यूस हो रही थी लेकिन नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा थी. यहाँ पर प्रोग्राम साइज़ बढ़ जाएगी लेकिन नंबर ऑफ बिट्स इंस्ट्रक्शन में कम होंगे. Here the first symbol listed in the instruction is assumed to be both a source and destination. तो जो first है वो source और destination दोनों की तरह work कर रहा है. Where the result of the operation is transferred. ठीक है, one address instruction. तो यहाँ पर एक ही address होगी, या तो operand होगा यहाँ पर लिखा हुआ या address of operand होगी. तो opcode रहेगा instruction format में, ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रहेगी एंड मोड. यूज़ एन इम्प्लाइड एक्यूमलेटर रजिस्टर फॉर ऑल डेटा मैनिपुलेशन. यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि हर ऑपरेशन के लिए किसको यूज़ किया जाएगा, हर डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन के लिए एक्यूमलेटर रजिस्टर को यूज़ किया जाएगा. सी पी यू ऑलरेडी नो दैट वन ऑपरेट इन ऑपरेंड इज इन एक्यूमलेटर, सो देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाइड. सी पी यू को पहले से ही पता है कि एक ऑपरेंड एक्यूमलेटर है, इसीलिए हम उसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में स्पेसिफाई नहीं करते हैं. तो वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमलेटर एंड अदर इज इन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन. तो एक हमारा ऑपरेंड एक्यूमलेटर में रहेगा और दूसरा किस में रहेगा, रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में. तो अगर यही प्रोग्राम है, हमें इसे इवेल्यूएट करना है यूजिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो कैसे लिखेंगे, लोड ए
इक्वेशन ए पे जो डेटा है वो किस में आ गया, एक्यूमलेटर में, ऐड बी। तो ऐड बी मतलब एक्यूमलेटर का जो डेटा है वो और मेमोरी लोकेशन बी पे जो डेटा है वो दोनों ऐड होके वापस किस में स्टोर हो जाए, एक्यूमलेटर में। तो हमें यहाँ पर एक ही एड्रेस देनी पड़ रही है, एक्यूमलेटर बाय डिफ़ॉल्ट यूज हो रहा है। रिजल्ट एक्यूमलेटर में आया है ए प्लस बी, उसको हमें स्टोर करना होगा मेमोरी की टी लोकेशन पे। तो मेमोरी की टी लोकेशन पे जाके जो एक्यूमलेटर में रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा। क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि ए प्लस बी का रिजल्ट हमें स्टोर करना पड़ेगा। अब हमें सी प्लस डी का रिजल्ट निकालना है। तो लोड सी, तो एक्यूमलेटर में सी मेमोरी लोकेशन का डेटा आ गया। ऐड डी मतलब मेमोरी लोकेशन डी की वैल्यू एक्यूमलेटर के साथ ऐड होकर किस में आ जाएगी, एक्यूमलेटर में। अब हमने लिखा मल्टीप्लाई टी, इसका मतलब है क्या होगा, एक्यूमलेटर और मेमोरी लोकेशन टी पे जो वैल्यू स्टोर हुई है ए प्लस बी, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और स्टोर एक्स, तो एक्यूमलेटर की वैल्यू मेमोरी लोकेशन एक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट इज ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक भी एड्रेस नहीं लिखनी पड़े, उसके लिए स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डज नॉट यूज़ एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड मल्टीप्लाई। जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए कोई भी एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर्स में। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन नीड एन एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड दैट कम्युनिकेट्स विद द स्टैक। लेकिन पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस को क्या चाहिए होती है, एड्रेस फील्ड चाहिए होती है, एक सिंगल एड्रेस फील्ड चाहिए होती है ऑपरेंड की जो स्टैक में स्टोर या पॉप होगा। द फॉलोइंग प्रोग्राम शोज हाउ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी विल बी रिटर्न फॉर ए स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, जो मैं डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वैसे भी देख लें तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा ब्रैकेट के, और ये भी प्लस यहाँ चला जाएगा, और ये स्टार लास्ट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस इंटू, तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। पुश ए, ए कहाँ स्टैक में पुश हो जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक पे। तो टॉप ऑफ स्टैक में क्या आ गया, ए। फिर हमने क्या पुश बी, तो अब टॉप ऑफ स्टैक पे क्या होगा, बी। हमने पहले ए को पुश किया तो ये टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पर था, फिर बी को पुश किया तो अब टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पर आ गया। अब हमने लिखा है देखो ऐड, तो ऐड ऑपरेशन और मल्टीप्लाई इस टाइप के जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसमें कोई भी आपको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐड लिखा तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देगा और वापस इस रिज़ल्ट को कहाँ स्टोर कर देगा, स्टैक में। तो यहाँ पर ये क्या है, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एड्रेस हमने नहीं दी है। नेक्स्ट पुश सी, अब ए प्लस बी स्टैक में आ चुका है, अब हमने पुश सी कर दिया तो टॉप ऑफ स्टैक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने पुश डी किया तो अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक कहाँ पर होगा, डी पे होगा। अब हमने ऐड लिखा तो क्या होगा, सी प्लस डी हो जाएगा, और सी प्लस डी वापस क्या होगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। तो ए प्लस बी के ऊपर आ गया सी प्लस डी। अब हमने लिखा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या, टू वैल्यूज़ हैं स्टैक की, टॉप मोस्ट टू वैल्यूज़ हैं, उनको पॉप करके उन पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो रिज़ल्ट आएगी वापस कहाँ स्टोर कर देगा, स्टैक में। तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी जाके फिर से स्टैक में स्टोर हो जाएगा और टॉप ऑफ स्टैक इस पे रिप्रेजेंट करेगा। अब पॉप एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स मेमोरी की एक्स लोकेशन पे जो टॉप ऑफ वैल्यू है यानी पूरा रिजल्ट है वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, मेमोरी की एक्स लोकेशन पे। तो जो यहाँ पर ऐड ऐड मल्टीप्लाई ये जो हैं वो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन जो पुश और पॉप हैं वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं।